गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग एक बैटरी से रिलेटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो टोटली फ्यूचर प्रूफ है। इस स्टॉक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और इंस्टाग्राम में भी अपडेट दे चुका हूँ। तो ये एक अपडेट वीडियो रहने वाला है, बेसिकली ये आप लोग बोल सकते हो। जैसे आप सबको पता है कार्स के मामले में, या तो फिर आप लोगों का जो स्कूटी बोलते हो आप लोग, स्कूटर बाइक के मामले में फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, ये सबको पता है। फ्यूचर ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है। तो ये कंपनी आराम से फ्यूचर प्रूफ बन जाती है और आउट परफॉर्म कर सकती है। अभी कंपनी जो है उसके बारे में बात करें तो कंपनी एक डिविडेंड पेइंग पेनी स्टॉक है। 44 पॉइंट ऑलमोस्ट आप लोगों को राउंड फिगर बात करूँ तो 45% का डिविडेंड पे आउट देखने को मिल सकता है कंपनी में। उसके बाद अगर बात करें कंपनी का जो आरओई परसेंटेज है वो कम है लेकिन पॉजिटिव में है। आरओई कम है लेकिन पॉजिटिव में है। और पुअर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें, ये हो गया एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी का। आरओई कम है लेकिन ये याद रखना पॉजिटिव में है, आरओई नेगेटिव में नहीं है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा रखा है पिछले 5 सालों का। और जो प्रॉफिट कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रही है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है लगातार। क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोगों को जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करूँगा तब मैं आप लोगों को क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊंगा, तब आप लोग देख सकते हो जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है हर क्वार्टर में। और जो प्रोमोटर्स का होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट के साथ। प्रोमोटर्स लगातार अपना होल्डिंग इंक्रीज करने में लगा हुआ है क्योंकि ये फ्यूचर प्रूफ स्टॉक बन जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज का काम करती है कंपनी। तो चलिए चार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को, चार्ट में क्या पता चल रहा है और कहाँ के टारगेट के लिए आप लोग होल्ड करके चल सकते हैं इस स्टॉक को। यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, HBL पावर। NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 2.43%, मतलब कल ऑलमोस्ट 2.43% डाउन था कंपनी और अभी फिलहाल 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक कंटिन्यूस ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है। और ये जो गिरावट देखने को मिली है, सभी स्टॉक में ये गिरावट आप लोगों को देखने को मिली है। और अभी फिलहाल ये जो पहले वाला रेंज था स्टॉक का उसमें अभी ट्रेड कर रही है स्टॉक इतना गिरने के बाद। तो वो वाला रेंज भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या निकल के आ रहा है वो वाला रेंज। एक सेकंड ड्रॉ करने के बाद मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ वीडियो को। ये जो तो ऑरेंज लाइन्स आप देख रहे हो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो पुराना रेंज था, ऑरेंज लाइन जो है वो पुराना रेंज दिखा रहा है यहाँ पे, और जो नया रेंज क्रिएट हुआ था कम मार्केट फॉल करने के बाद वो ब्लैक लाइन से डिनोट किया गया है। तो अगर कंपनी नॉर्मली चलता रहता तो अभी तक कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया होता। तो अब आगे क्या करना है आप लोगों को, अब कैसे ब्रेकआउट होगा? देखो दोनों का अगर आप लोग पुराना वाला ट्रेंड लाइन फॉलो करते हो उसका भी अगर ब्रेकआउट आप लोग देखोगे, और अगर नया वाला ट्रेंड लाइन जो क्रिएट हुआ है, मतलब नया वाला जो रेंज मैंने हम लोगों ने एज्यूम किया है, अगर उसका भी ब्रेकआउट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ही प्राइस पॉइंट, मतलब 10-20 पैसे का डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन इतना ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है वो वाला चीज़। तो बेस्ट एंट्री पॉइंट के बारे में बात करें, कोई सा भी एक रेंज उठा लो, ट्रेंड लाइन उठा लो, उसके ब्रेकआउट प्रॉपरली हो जाने के बाद जो भी आप ट्रेंड लाइन, मान लो कि आप लोग ये वाला जो ऑरेंज वाला ट्रेंड लाइन है ये फॉलो कर रहे हो, तो ब्लैक एकदम हटा दो चार्ट से। और अगर आप लोग ब्लैक वाला फॉलो कर रहे हो तो ऑरेंज वाला हटा दो। कोई भी एक चैनल फॉलो करो, चैनल मतलब यूट्यूब का चैनल नहीं, कोई भी एक रेंज और ट्रेंड लाइन फॉलो करो, एक रेंज फॉलो करो। अगर ब्लैक फॉलो कर रहे हो तो ब्लैक के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाने के बाद एंटर करना फॉर दी टारगेट्स ऑफ 60 and 68 रुपीज़, ऑलमोस्ट 67.9। तो मैं रिकमेंड करूँगा 67.5 से ही प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हो आप लोग। और अगर आप लोग ऑरेंज ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो, जो पुराना वाला ट्रेंड लाइन था, ये मार्केट की गिरावट के बाद वाला जो सीन क्रिएट हुआ है वो पूरा इग्नोर कर देते हो, और पहले के जैसा अगर आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो उसके भी ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद आप लोग एंटर करना स्टॉक में फॉर द टारगेट्स ऑफ 60 and 67.5 रुपीज़। टारगेट एक ही रहेगा लेकिन एंट्री पॉइंट में 19-20 का फर्क आप लोगों को देखने को मिल सकता है, अगर आप लोग डिपेंड करता है कौन सी ट्रेंड लाइन आप लोग फॉलो करते हो तो। लेकिन कोई से भी ट्रेंड लाइन फॉलो कर लो, प्रॉपर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद ही आप लोग एंटर करना,
ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ही आप लोग एंटर करना, उसके पहले एंटर करने जाओगे क्या पता आप लोग लॉस भी कर सकते हो। ये हो गया टोटल ये स्टॉक के बारे में टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल्स दिखाया था, पहले दिखाता हूँ NSE में कितना क्वांटिटी लोग CNC में घर लेके गए हैं। ये HBL पावर का NSE का लिस्ट खोला हुआ है, आप लोग देख सकते हो निफ्टी 500 में कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें तो कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, 52,260 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 2700 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करूँ तो 50.1 के प्राइस पॉइंट पे ऑलमोस्ट 6080 क्वांटिटी पेंडिंग ऑर्डर अभी भी है। और डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करूँ तो बिलो 30%, मतलब एक इतना ज़्यादा कुछ खास अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। उसके बाद मैं आप लोगों को मार्केट कैप वो सब एक बार दिखाया था, बैलेंस शीट क्वार्टरली रिजल्ट सब एक बार दिखाया था आप लोगों को स्टॉक का। जैसे कि मैं बोल रहा था कंपनी सेगमेंट्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरीज, मैनुफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उनमें बैटरीज तो लगेंगे ही लगेंगे। तो आप लोग सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म में ये एक स्टॉक अच्छी खासी मल्टीबैगर बन सकती है। और इसका जो मार्केट कैप है वो भी कम नहीं है, ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। ROC परसेंटेज 4.46, PE के बारे में बात करें 37.7, ROE परसेंटेज 2.35%, बुक वैल्यू 28.6, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है फिलहाल। इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कम्पेयर टू द 52 वीक लो। डिविडेंड देती है कंपनी, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बता दिया आप लोगों को, वेज वैल्यू 1 रुपये का, एक साल में अच्छी खासी रिटर्न ये कंपनी देके जा रही है, ऑलमोस्ट 4x रिटर्न देके जा रही है कंपनी एक साल में। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोज में आप लोग देख सकते हो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 44.74%। इसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑलमोस्ट 45% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट ये कंपनी मेंटेन करती है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -6.74% ओवर लास्ट 5 ईयर्स, ओवर पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज़ लो ROE, ROE देख सकते हो आप लोग पॉजिटिव में है 3 ईयर्स का। कॉस्ट ऑफ बोरिंग सेम्स हाई। क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था क्वार्टरली रिजल्ट में आप एक फार्म ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट सितंबर 2020 के क्वार्टरली रिजल्ट से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें, ऑलरेडी जो TTM में आप लोग देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83 करोड़ का हो चुका है। अब मार्च 2021 में आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी गिरावट आप लोगों को देखने को मिली है यहाँ पे कंपेयर टू मार्च 2020। और करंट TTM ऑलरेडी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बन चुका है। अगर बात करूँ तो मार्च 2011 के बाद इतना जो करंट TTM, इतना जो नेट प्रॉफिट बना है वो करंट TTM में ही बना है। मार्च 2011 के बाद कभी भी इसने 45 करोड़ क्रॉस नहीं किया था, 40 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया था, लेकिन एक बार 45 करोड़ दिया था, तो इससे भी ज़्यादा हो चुका है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दिया है इसने। बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है, क्योंकि 765 करोड़ का ये रिजर्व है इन लोगों के पास और बॉरोइंग्स ओनली 67 करोड़ का। कभी भी ये कंपनी डेट फ्री बन सकती है और कंपनी लगातार जो है डेट रिड्यूस करते आ रहा है 2014 से। तो अब मुझे नहीं लगता कि कंपनी फिर से अपना डेट इंक्रीज करेगी, कर भी सकती है लेकिन कभी भी डेट फ्री बन सकती है। ये आप लोग देख सकते हो कंटिन्यूअसली 2013 से कंटिन्यूअसली अपना डेब्ट रिड्यूस करते आ रहा है यह कंपनी। अब मार्च 2020 में नो डाउट कि आप लोगों को यहाँ पे जीरो भी देखने मिल सकती है। कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कैश फ्लो में -7 करोड़ का जंप देखने को यहाँ पे मिला है कंपेयर टू मार्च 2020। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रमोटर्स का पैसा है वो लगातार इंक्रीज करने में लगा हुआ है। तो स्टॉक धीरे धीरे आप लोग आराम से मल्टीबैगर बन सकते हैं। ये स्टॉक कभी भी आप लोगों को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है एंड कभी भी आप लोगों को रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स देखने को मिल सकती है, कभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट देखने को मिल सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ये स्टॉक में, क्योंकि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक। हालांकि जो ये DIIs है ये अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा खासा कोई फ्यूचर प्रूफ आइडिया वाला स्टॉक ढूंढना चाहते हो तो ये है HBL पावर। इनमें आप आराम से पैसा लगा के रख सकते हो। DIIs में देख लेते हैं किस का पैसा लगा हुआ है। ये कोई उमन जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड करके कोई है, इन लोगों का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक में देख लेते हैं, पब्लिक में टोटल ये जो टोटल 21% शेयर है ये टोटली रिटेलर्स का, पब्लिक से माल उठाया जा रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऑलमोस्ट
सितंबर 2020 से पब्लिक से माल उठाया जा रहा है, तो कंपनी आराम से मल्टीपैक का रिटर्न देखे जा सकती है और एक अच्छा खासा बेट आप लोगों के लिए साबित हो सकती है लॉन्ग टर्म में। तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो तो चलिए आप लोगों के ऊपर है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लेना है, या तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। आफ्टर आप लोगों के पैसे का सवाल है, और मेरा जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, और एक गाइड है, कुछ भी बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। टोटली आप लोगों के ऊपर है आप लोग क्या बाय या सेल करते हो, क्योंकि आफ्टर आप लोगों का पैसे का सवाल है। तो प्लीज़ गाइस आप लोग अपना रिसर्च ऐड कर लो, अगर मेरा जो रिसर्च है वो देख के आप लोग बाय भी करते हो तो आप लोग सीखोगे कुछ भी नहीं। ये हो गया इस वीडियो के लिए, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय। और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग आराम से बता सकते हो, मैं वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या तो फिर पर्सनली आप लोग वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो IG में DM कर सकते हो। IG का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। टिल देन बाय गाइस, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।